हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं का साइंस का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, जो सेट आप मिला सकते हैं जैसे कि, और आपके जो सेट हैं एक दूसरे से मैच भी कर सकते हैं। तो इसके मैं आपको फुल सॉल्यूशन जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आप, तो इनका सभी का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आप अपने सेट से इसको मैच कर सकते हो अगर आपका और कोई दूसरा सेट। तो गाइस, मेरे पास बाकी जो सेट हैं उनके सॉल्यूशन भी हैं, तो आप अपने सेट का कमेंट कीजिए कौन सा सेट का सॉल्यूशन चाहिए, और बाकी सभी वीडियो जैसे कि आप, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 9th की जो बोर्ड एग्जाम थे उनके सभी के मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड की हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियो को देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इन सभी के लिंक दे दूंगा। जैसे कि मैंने साइंस का ऑलरेडी एक पेपर सॉल्यूशन कर दिया है आपको, जैसे कि 944 का, तो ये 943 का सेट है, और जो भी आपको सेट का चाहिए एक बार कमेंट करके बताइए। और इसी प्रकार से जैसे कि मैंने 9th का आपको दिया, इसके बाद जब आप 10th क्लास में आएंगे इसी प्रकार से उसके भी मैं आपको एडवांस से क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, ठीक है, PDF के साथ। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए जो वीडियो आप देख रहे हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो उस वीडियो के नीचे ऐसे करके सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके इस घंटी को आपको यहाँ पर ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे हमारी नई वीडियो आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर सभी की मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो आज का सॉल्यूशन बताऊंगा 943 का, बाकी जो सेट मैंने आपको थंबनेल में बताया वे सभी का सॉल्यूशन मैं एक एक करके वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर का इसमें आपको अच्छे से नहीं बताऊंगा, इसलिए आप लोग अपने जो सेट है उससे मिलाते जाइएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हैं सही विकल्प दिए हुए हैं, तो जीवन की मूलभूत इकाई है, तो इसका आंसर आपका द नंबर का कोशिका होगा। इसी प्रकार से ये 5 हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये 5ों को आप देख लीजिए क्वेश्चन आपके सेट से इनको मिलाइए, और इनके आंसर मैं बता रहा हूँ हमारी उत्तर पुस्तिका में। तो इनके आंसर जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट का कोशिका हो जाएगा, सेकंड में सा नंबर का हो जाएगा, थर्ड में आ का न्यूटन हो जाएगा, और फोर्थ में आपका जैसे कि आ नंबर का 1 किलोमीटर आवर्स हो जाएगा, और फिफ्थ है इसमें आपका अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग मैच कर लीजिए, और जिसमें आपको डाउट जा रहा है कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड में आपको कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इनमें से किसी आपको एक रिक्त स्थान में भरना है, तो इनके आंसर आप जैसे कि आपके सेट में इनको क्वेश्चन मिला लीजिए, और मैं आपको इनके डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इनके आंसर जैसे कि देख सकते हैं, सेकंड का हो जाएगा सामांगी, और इसमें सेकंड सेकंड है इसमें आपका ए हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और कई लोगों को राइटिंग की प्रॉब्लम होती, आप लोग बता दीजिएगा, मैं आपको उनके आंसर प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में। पहले आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बाद में ही आपको ये प्रोवाइड होंगे, सब्सक्राइब आप लोग करके रखिए, कभी भी मैं आपको इसका अपडेट बता सकता हूँ। तो इसी प्रकार से सही विकल्प है, तो गाइस इसका PDF थोड़ा ब्लर है, तो आप अपने जो क्वेश्चन पेपर उससे मैच कर दीजिए, मैं आपको आंसर बिल्कुल नीट एंड क्लीन की तरह से बता रहा हूँ। तो जो आपको सही जोड़ियाँ दिख रही थी आपके पेपर में मैच कर लीजिए, उनके आंसर ये रहेंगे। जैसे कि आपको देख सकते हैं, फर्स्ट में जो अमोनिया कार्बोनेट है, सेकंड में प्रोटियम है, कार्य करने की क्षमता का आंसर, थर्ड है ऊर्जा, इसमें आपको जाइलम का हो जाएगा, पौधों में जल का संवहन, और जो फिफ्थ है इसमें आपका हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ओजोन छिद्र, ठीक है, इनके आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। तो फोर्थ में आपको एक वाक्य में उत्तर देखेंगे, तो आपको इनके आंसर आपके जो क्वेश्चन है इनको मैच कीजिए, जैसे कि फर्स्ट है दूध में क्रीम, ये सब सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, मानव शरीर में बल का SI मात्रा को एडस का पूर्ण रूप से लिखिए, ठीक है, तो ये इनके आंसर आप देख सकते। तो फोर्थ नंबर एक वाक्य, इनके आंसर आप जैसे कि देख सकते हैं, आप केंद्रीय विधि Na2CO3 तंत्रिका कोशिका न्यूटन एडॉक्स एम्यूनियो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप आराम से इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा राइटिंग बताइए हमको कमेंट करके, उसको मैं आपको दे दूंगा। तो जैसे गाइस क्वेश्चन 4 तक मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन 5 जो स्टार्ट हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको ध्यान से। तो इसके मैंने आपको अथवा का किया है, जो यौगिक हैं इसके 2 गुणधर्म, ठीक है, तो इसके 2 गुणधर्म जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे गाइस इसका आंसर आपको स्क्रीन में शो कर रहा होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, यौगिक का है, तो इसमें यौगिक के कोई 2 गुण लिखना है, जैसे देख सकते हैं, तो आपको स्क्रीन में एक PDF शो कर रहा होगा, तो उसमें से आप, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हैं, तो आप इनमें से देख लीजिए एक कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं ना गाइस, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी पॉइंट एक लिख लेना है, जैसे कि मैंने आपको PDF दे दिया है गाइस, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अणु का आंसर जो दिखा हुआ है यहाँ यौगिक के 2 गुण, तो
तो ये 2 गुणे आप यहाँ लिख लीजिए जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको लिखा है अणु क्या है, ठीक है, और इसका अथवा है रासायनिक सूत्र को परिभाषित कीजिए। तो मैंने अणु किसे कहते हैं इसका आंसर दिया है, तो आप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे होंगे अणु किसे कहते हैं, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट है। अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिससे उस तत्व के यौगिक संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाता है। जैसे कि आप अणु का देख सकते हैं, मैंने बता दिया है आपको आंसर, तो ये आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको दिया है रंध्र के 2 मुख्य कार्य लिखिए, ठीक। रंध्र के कार्य के नीचे आपको दिया है औसत चाल क्या अभिप्राय है, तो रंध्र के कार्य आपको अपनी बुक में भी मिल सकता है। मैंने आपको औसत चाल जो अथवा दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अथवा का जो आंसर आपको दिया हुआ है, इसका मैंने आंसर दिया है, तो आपको स्क्रीन में शो कर रहा है औसत चाल किसे कहते हैं, तो किसी समय अंतराल, तो इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। औसत चाल बराबर ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखा हुआ है। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसमें आपको औसत चाल के बाद प्रश्न 9 है, इसमें लिखा है गति का प्रथम नियम लिखिए, उसका अथवा है इसमें लिखा हुआ संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो मैंने आपको संवेग संरक्षण का नियम लिखवाया है, तो सबसे पहले आपका उत्तर जो देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है, संवेग संरक्षण का नियम किसी न्याय, तो इसको आप ध्यान से लिख लीजिएगा, ये है इसका उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन में, इसमें आपको दिया है मिश्रण क्या है, उसी के जो अथवा है उसमें लिखा है धातु कोई 2 3 अभिलक्षण लिखे, तो मैंने आपको किसका आंसर बताया, मैं जैसे कि बता दूं मिश्रण क्या है, क्या समझते हैं इसके, ठीक है। तो मिश्रण का उत्तर जैसे कि आप देख सकते हैं प्रकार के नाम, तो नाम मैंने आपको नहीं दिया, आप लिख सकते, लेकिन मैंने इसके प्रकार दिए हैं, आप अभी आगे मैं आपको इसके दूंगा नाम, तो आप पहले मिश्रण देख लीजिए, इसकी परिभाषा जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसके जो प्रकार सामांगी मिश्रण जैसे कि ये हो सकता है, तो इनको आप नोट कर लीजिए, जैसे कि इसके उत्तर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन 11 में आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन इसके 2 प्रकार होंगे, जैसे कि मैंने आपको पुराना दिया था इसमें, ठीक है, मिश्रण के, तो आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए, तो इनके गुणों की तुलना की टेबल आप जैसे कि स्क्रीन में देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं इनके गुण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, तो इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें तौल में आपको लिखा है कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किस अंग को कहते हैं, तो इसका आंसर आप जैसे देख सकते हैं, इसका मैंने अथवा का आपका आंसर दिया है, तो अथवा का आपका क्वेश्चन क्या दिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अथवा प्लाज्मा झिल्ली को वर्तमान झिल्ली क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आपको जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है प्लाज्मा झिल्ली कुछ ही पदार्थों का, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका ये सटीक आंसर है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में मैंने आपको बताया है, इसमें लिखा है एक समान और असमान गति को परिभाषित कीजिए, तो एक समान गति जैसे कि आप देख सकते हैं जब कोई वस्तु का समान अंतराल में समान दूरी तय करती है उसे हम गति एक समान कहते हैं, इसका उदाहरण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ठीक है। इसके बाद असमान गति जब कोई वस्तु समान समांतराल समय दूरी तय करती है तो उसे ये आप देख सकते हैं सड़क पर चलती कार की गति, ठीक है, इनके उदाहरण वो असमान और समान गति मैंने आपको बता दी दोनों, एक समान और असमान, ठीक है, तो इनको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जैसे कि दिख रहा होगा 12 नंबर का, तो 12 नंबर के आंसर में आपको क्या दिया है, इसमें दिया हुआ है कोशिका का, जैसे कि मैंने ये बता दिया 13 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया है एक समान और असमान गति में। इसके बाद जो 14 नंबर का, इसमें आपको लिखा है ग्रीन हाउस के प्रभाव, तो ग्रीन हाउस के प्रभाव और इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, इसमें लिखा है एक समान वृत्ति गति किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपको जैसे कि मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है, ठीक है, तो आपको अब 13 के बाद 14 है, तो 14 का मैं आपको बता दूं कौन सा आपको करना है, तो 14 में आपको जैसे कि यहाँ दिख रहा है अथवा का, तो आप अथवा का ये वाला क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, जीवों के लिए जल की आवश्यकता क्यों है, तो जीवों के लिए जल की आवश्यकता क्यों है, तो इसके पॉइंट यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं, तो इनको लिख दीजिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है सभी कोशिकीय प्रक्रियाएँ जलीय माध्यम में होती हैं, सेकेंड है पदार्थ का संवहन जल के माध्यम से होता है, इसलिए जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इस प्रकार से मैंने आपको पॉइंट दिए हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आते हैं, तो नीचे हमको दिखता है यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको परिभाषित कीजिए, ए है 1 मोल और बी है परमाणु द्रव्यमान, तो 1 मोल को क्या समझते हैं, इसका मैंने आपको स्क्रीन में जैसे कि देख रहा होगा इसका उत्तर, तो ए नंबर डाल के आप इसका आंसर लिख लीजिए, मोल किसी पदार्थ तत्व, इसको आप आराम से लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको
इसका आंसर लिखना हो। और दूसरे सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए। और सेकंड इसमें बी नंबर का, जैसे कि देख सकते हैं आपको मैंने ए बता दिया है, ए में आपको 1 मोल दिखना था, तो 1 मोल आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको 1 मोल का उत्तर बता दिया। इसके बाद जो सेकंड है परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान का उत्तर जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका परमाणु द्रव्यमान का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, आप वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ पीडीएफ को खोल के। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 में आपको जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट में तो ये ऊतकों के नाम लिखना है, उसी का एक अथवा का एक क्वेश्चन है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं न्यूरॉन का नामांकित स्वस्थ वो चित्र बनाइए। ठीक है, ये आपका सभी सेट में आई थिंक आया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस सेट में ये आया है। अगर आपका कोई दूसरा सेट है उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब करके कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। तो ये रहा न्यूरॉन का नामांकित तो स्वस्थ चिन्ह, तो आप इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, आराम से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके पूरे नाम नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, सिद्ध करिए। ठीक है, इसमें कुछ सिद्ध करना है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आपको करना है। ठीक है, तो इसका जो अथवा वाला है द्रव्यमान एवं भार के में अंतर लिखिए। तो द्रव्यमान और भार में मैंने आपको अंतर दिया है, तो आप जैसे कि ये आंसर देख सकते हैं, इसमें को आपको टेबल बनानी होगी। तो टेबल में आप जैसे कि ये वाला स्क्रीनशॉट आप ध्यान से लिख लीजिए, और या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, किसी भी समय में आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान और जो भार है, इसका जो अंतर है, इन दोनों में अंतर लिखना है, तो इसका अंतर आपको टेबल दिख रही होगी ये वाली, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं उनको बताया। तो इसी के बाद नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बल्ब जलाने वाली ऊर्जा स्थानांतरण ऐसे कुछ प्रकार से लिखा हुआ है, और नीचे आपको लिखा है किसी गतिज ऊर्जा को क्या होती। तो मैंने इसके अथवा के जो हैं ये आपको सॉल्व करवाए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये अथवा का फर्स्ट है किसी गतिज की वस्तु की, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा आपको यहाँ पर लिखी किसी वस्तु की उस गति ऊर्जा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी का बी नंबर का किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो इसका आंसर आप जैसे कि देख सकते हैं ये उसका उत्तर हो जाएगा, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ए का उत्तर आप जैसे कि देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका ए का उत्तर, और जो बी है इसी में तो उसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है 19 नंबर में, इसमें लिखा हुआ है संक्रमण या संचरी, इसमें लिखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं अथवा में मैं आपको बता देता हूँ खोल के। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो नंबर क्वेश्चन मिलता है, इसमें आपको 19 क्वेश्चन में लिखा है संक्रमण रोग रोग क्या है, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। तो इसमें आपको संक्रमण रोग या इसको संचयी रोग भी बोलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो रोग वायु जल, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसमें एक उदाहरण भी बोला गया, तो हैजा टीवी फ्लू आदि इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते ये हो गया 19 का, 19 का मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया। इसके बाद 19 के बाद 20 नंबर में है, तो 20 में आपसे पूछा गया है समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक क्या है आपको स्क्रीन में दिख रहा है पीडीएफ, इसमें आपको समस्थानिक की परिभाषा दी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नीचे यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानों के नाम प्रोटोनियम, ये जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन में, इन तीनों के नाम आपको लिख लेना है, जैसे कि आपको स्क्रीन में शो कर रहे होंगे। तो आपको एक बिल्कुल फुल पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करूंगा मैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को फॉलो वॉच कीजिए, कभी भी मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा। तो 21 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा गया है, नीचे अथवा में आते हैं, अथवा में आपको बताता हूँ उसका क्या पूछा गया है। तो इसमें आपको पूछा गया है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक पादप कोशिका एवं प्रोकैरियोटिक जंतु में 5 कोई अंतर। तो ये देख सकते हैं प्रो यू कैरियोटिक जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इनके आंसर आपको ये रहा इसमें अंतर। ठीक है, तो इन अंतर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन, आपको बहुत ही ज़्यादा अंक प्राप्त होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम है इसमें आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कोशिका में अंतर दे लिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट 22 नंबर का, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से सूत्र एफ इक्वल टू और अथवा में एक दिया गया है क्वेश्चन, तो इसमें से मैं आपको बता दूं आपको मैंने किसका सॉल्यूशन किया है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित सूत्र एफ इक्वल टू एम है, तो इसका मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है 22 का। ठीक है, तो इसका आंसर आपको जैसे कि देख सकते हैं उत्तर
यहाँ पर दिया हुआ है माना कोई अहम द्रव्यमान के पिंड इसका वेग है तो गतिमान है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा दिया हुआ है तो आप एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही यूजफुल है, आपको पूर्णांक इसमें प्राप्त होने वाले हैं, इसलिए आपको ध्यान से इसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसका पूरा PDF आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करके रखिए, किसी भी समय मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको जैसे कि देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर 22 क्वेश्चन हैं, तो ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। तो इसी प्रकार से गाइस आपको दूसरे सेट का प्रोवाइड चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि मैं को आपको वो PDF चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। और सभी लोग गाइस आइए चैनल पे, आइए सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जितनी भी डली हुई है सभी वॉच कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। और आपकी जो 9th की सभी क्वेश्चन पेपर की PDF वो प्लेलिस्ट बनी हुई है तो इन सभी वीडियो को वॉच कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी वीडियो मैंने बना दी हैं, और जिसका PDF चाहिए सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए, जो जिस सेट का भी आपको पेपर चाहिए सॉल्व तो उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग चैनल पर बने रहिए, आगे भी आपको ऐसे ही पेपर मैं प्रोवाइड करूंगा 9th के बाद 10th 11th 12th सभी के, तो आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए और सभी लोग सब्सक्राइब करके